हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको दोबारा आपके पूरा सिलेबस को दोबारा पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्रेश बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड के ऊपर, ताकि आपकी क्वालिटी और बेहतरीन हो सके। लेकिन आपको जैसा पता होना चाहिए कि आपका ऑलरेडी सिलेबस सब चीज़ प्रेजेंट है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, तभी हर एक चीज़ हमने पढ़ा रखा था, तो ऑलरेडी पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का प्रेजेंट है, सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद भी हमने रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी के वीडियोस डिजिटल बोर्ड के ऊपर बनाए थे, तो वो भी सारे वीडियोस प्रेजेंट है। आपके साइंस के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के वीडियोस प्रेजेंट है, तो आप सारे वीडियोस की कोई कमी नहीं है। आप बस देखते रहो और पढ़ाई करते रहो, और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, एक्स्ट्रा मेहनत करके जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं, उसके लिए भी जरूर से सपोर्ट दिखाना और अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर से। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो एक और चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फोर्सेस एंड प्रेशर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो बहुत जरूरी है ये चैप्टर पढ़ना, कि आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वैसे देखा जाए तो इतने सारे प्रकार होते हैं कि जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, अभी तो आप 8th में हो, जब आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तो और भी नए नए प्रकार के फोर्सेस आपको पढ़ने मिलेंगे। लेकिन अभी आपके 8th स्टैंडर्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम चीज़ें दी हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले स्टैंडर्ड्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज पहला ही लेक्चर है, और जनरली ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत बड़ा नहीं है, तो दो लेक्चर में ही ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है और अगले दिन हम लेकर आ जाएंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर में बात करने वाले फोर्सेस के बारे में, क्या होते हैं फोर्सेस, तो जरूर से देखना और वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो दैट इज फर्स्ट टॉपिक, हम शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, फोर्स क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। अगर हम बात करें फोर्स के बारे में, तो ये क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, इट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग ए बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल यानी बाहरी एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रुका हुआ है उसको मोशन में ला सकता है, जो मोशन में है उसको रोक सकता है, एंड दैट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स क्या है? इट इज ए पुश और पुल ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करवाना है, पुल करवाना है, तो उसको कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने रखा हुआ है मार्कर। अभी इस हाथ को मैं ऐसे ही रखूं, ठीक है, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि इस हाथ को मैं ऐसे ही रखूं, तो ये मार्कर अपने जगह से कभी जिंदगी में नहीं हिल सकता। अपने पूरे जिंदगी में जब तक कोई हवा ना चले, जब तक कोई चीज इसके ऊपर एक्ट ना करे, तब तक ये मार्कर इस हाथ के ऊपर से हिलेगा तक नहीं। अगर मैं ऐसे ही अपने इस हाथ को 10 साल 20 50 100 साल तक ऐसे ही रखा रहा हूं, तो नहीं हिलने वाला। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, लेट सपोज ये मेरा हाथ है, और ये हाथ से मैंने, उंगली से मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, तो देखो ये मार्कर हिल गया। ठीक है, मैंने अपने हवे से देखो फोर्स लगाया, मतलब एक विंड एनर्जी भी आ रही है, कोई भी टाइप की एनर्जी आ रही है, कोई भी टाइप का फोर्स अगर आ रहा है बाहर से, यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी वो मोशन में आ सकता है। या फिर कोई मोशन वाला ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये मोशन में है, अगर इसको मुझे रोकना है तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा अपने हाथों से, बिकॉज मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसको रोकना है, कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है उसको मूव कराना है, तो उसके लिए हमें क्या लगता है? फोर्स लगता है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो रुक नहीं सकता, जब तक के ऊपर उसके एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। और इसी चीज को बोला जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा जाता है? न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। आपने नाम तो सुना होगा न्यूटन का। तो न्यूटन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, और इतना खतरनाक साइंटिस्ट थे कि इतने सारे फिजिक्स बना के गए, तो हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो न्यूटन वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी को एक तरीके से डिस्कवर किया था। ग्रेविटी तो उसके पहले से ही थी, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे जरूर आती है, तो ग्रेविटी तो पहले से ही थी। तो उसके साथ वो हादसा हुआ, एप्पल वाला स्टोरी तो आपने सुना ही होगा, कि भाई एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, उसने सोचा कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने दिमाग लगाया, थियोरी बनाई, उसने न्यूटन की थियोरी, ग्रेविटी की थियोरी और लॉ ऑफ मोशन की थियोरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे कई अनगिनत थियोरीज बना दिए जो हम आने वाले स्टैंडर्ड्स में और अभी पढ़ने वाले हैं। तो उसी में से एक लॉ होता है, लॉ ऑफ मोशन। 9th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर है, 9th साइंस का पहला ही चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के 3 लॉ है। तो पहला लॉ क्या बोलता है?
होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, पहला लॉ क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से तब तक हिल नहीं सकता जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है वो रुक नहीं सकता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड ये सब चीज करने के लिए क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एंड फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए या फिर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो समझ में आ गया फोर्स का मतलब क्या है, एक अदृश्य ताकत, एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती लेकिन है, दैट इज नथिंग बट द फोर्स। समझ में आ गया, ओके। अब ये जो फोर्स होते हैं ये हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, लेकिन हमें पढ़ना है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट में आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट है मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं आता। दूसरा है बैलेंस्ड, जो बैलेंस हो सकता है, और तीसरा चौथा है अनबैलेंस फोर्स। तो ये टोटल चार है, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो ये इतने टाइप ऑफ फोर्सेस हमें आज के इस वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है, तो एक एक करके इस फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या, देखो यहां ध्यान मत दो, अभी फिलहाल यहां ध्यान दो कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, इट इज सीन द फोर्स, फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे सिंपल तरीका है ये जानना, जैसे मैंने हाथ पे मार्कर रख दिया, अब इसको मुझे मूव करवाना है इसके ऊपर, मतलब इस ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजिशन में रुका हुआ है ना, रेस्ट यानी स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उसको मुझे मूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक उंगली से क्या किया, एक फोर्स लगाया। तो जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट हिला, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो मूव हुआ उसको मूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपने उंगली के थ्रू एक फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन वो उंगली के थ्रू क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे ध्यान से देखना, इस यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूं, यानी इस ऑब्जेक्ट को मेरा उंगली ने यानी जो फोर्स है उसने क्या किया है, टच किया है। टच किया मतलब क्या किया है, कॉन्टैक्ट किया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जब लग रहा है तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का, ओके? इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स, हम जो भी ताकत लगाते हैं, जैसे हम मान लो जिम में जाते हैं और डंबल उठा रहे हैं, मस्त एकदम एक्सरसाइज करते हैं, किया है कि नहीं कभी एक्सरसाइज, किया करो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, बाद में जब बड़े हो जाओगे 10वीं 11वीं 12वीं पहुंच जाओगे तो जिम चले जाना, अभी घर में थोड़ा बहुत कर सकते हो कुछ लोड उठा के। तो मान लो मैंने डंबल्स उठाया, तो जैसे मैं डंबल्स उठाऊंगा तो क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कैसे लग रहा है, मैं ताकत लगा के कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको मुझे पुश करना है, ठीक है ना, जैसे लिफ्टिंग करना, जैसे मैंने बताया डंबल्स उठाना है, बारबेल होता है वो ओलंपिक्स में उठाते हैं, तो वो उठा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, मेरा ताकत लग रहा है, तो लेकिन उसको कॉन्टैक्ट में यानी पकड़ के मैं कर रहा हूं, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर। उसके बाद पुशिंग, कोई भी चीज को पुश करना है मतलब क्या करना है, धक्का देना है। मान लो एक गाड़ी रखी हुई है और गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो मुझे धक्का देना है, तीन चार लोग मिलकर क्या करेंगे, उस गाड़ी को धक्का मारेंगे तो थोड़ा गाड़ी आगे सरकेगा। तो मतलब उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पुश करना पड़ा। पुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, उस गाड़ी को अपने हाथों से धक्का मारना पड़ा, टच करके। बिना टच करे तो मैं शक्तिमान हूं नहीं भाई, आग दिखा दूंगा, लेजर निकलेगा भाई, धक्का मार देगा अपने आप, ताकत तो है नहीं, सुपर नेचुरल पावर तो है नहीं भाई, कॉन्टैक्ट तो लाना ही पड़ेगा। तो अगर कॉन्टैक्ट ला रहा हूं, कोई चीज पुल करना है, खींचना है, जैसे कभी कुछ चीज हम लोग खींचते हैं रस्सी से, खींचना जो भी होता है, तो दैट इज पुलिंग। तो लिफ्टिंग हो, पुशिंग हो, पुलिंग हो, ये सभी चीज क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आने की वजह से होता है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। एक और एग्जांपल है, यहां पे मैं बात करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास गाड़ी है, लेट सपोज, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक गाड़ी है। अब ये जो गाड़ी है ऑब्वियसली इस रोड के ऊपर चल रहा होगा, ठीक है, ये रोड है चल रहा होगा। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई गाड़ी मान लो कि जब रोड के ऊपर चलता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, बिकॉज इंजन जो है वो आगे की तरफ उसको पुश कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक ताकत लग रही है फोर्स करने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे इस टायर और इस रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। जैसे हम लोग कोई भी जमीन के ऊपर चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों का जो नीचे का जो पार्ट होता है पैर का, जिसको सोल बोलते हैं, और जमीन जो होता है उसमें एक फ्रिक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन हम आगे की तरफ चल पा रहे हैं या फिर पीछे की तरफ चल पा रहे हैं, जो भी काम करना है कर पा रहे हैं। और जिस भी जमीन में फ्रिक्शन ना हो यानी स्मूथ जमीन होता है, तो हम फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ही होता है कि भाई टायर और रोड एक दूसरे को टच में है ना, कॉन्टैक्ट में है, तभी तो फ्रिक्शन हो रहा है। अगर टायर, ये रोड है, ये टायर है, ये टायर इसके हवे में है, तो क्या कांटेक्ट में आएगा, क्या फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा। कोई भी चीज़ में फ्रिक्शन लाने के लिए इवन अपने हाथ को ऐसा ऐसा जोर जोर से रगड़ो तो भी आपको गर्म महसूस होगा, अपने हाथ को इस प्रकार रगड़ो तो भी आपको गर्म महसूस होगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है ना,
वो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हाथ एक दूसरे से रगड़ खा रही है. वो रगड़ इसलिए खा रही है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक दूसरे को कांटेक्ट में ला रहा है, एंड वो जो फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स. तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि अगर कोई भी चीज कॉन्टैक्ट में आने की वजह से फोर्स लग रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, टच होने की वजह से, दैट इज नथिंग बट द कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जाम्पल कई सारे हैं, मस्क्यूलर फोर्स, लिफ्टिंग करना, पुशिंग करना, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये सब चीज उसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं. अगला जो टॉपिक है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ऑब्वियसली जैसे कॉन्टैक्ट था उसका उल्टा हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट. नॉन कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा फोर्स, यानी फोर्स तो लग रहा है लेकिन बिना टच हुए, बिना कॉन्टैक्ट में आके. तो वेन फोर्स इज अप्लाइड, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, वेन फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट या फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कि अगर उनके बीच में फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट में दूर दूर तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब देर इज नो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है. आपने मैग्नेट देखा है क्या, चुंबक, ठीक है, चुंबक आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि चुंबक होता क्या है, ठीक है, ध्यान देना एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा. देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास चश्मा है, ठीक है, ये चश्मे का एक फ्रेम है, ये फ्रेम जो है वो लगभग इसका जो पार्ट है वो आयरन से बना हुआ है, यानी लोखंड होगा ऑब्वियसली, और ये मेरे पास एक मार्कर है, इसमें ना कहीं मैग्नेट लगा हुआ है. तो अगर आप देखोगे इस क्या बोलते हैं चश्मे को ध्यान से देखना और इस मार्कर को देखना, तो मैं ना क्या करूंगा, यहां पे ना इसके नजदीक लाऊंगा, और नजदीक लाने के बाद क्या हो रहा है, ये चिपक गया. देखो अगर आप ध्यान दोगे इस मार्कर और इसमें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, बस मैं इसको नजदीक ला रहा हूं, और ये जो आयरन है या फिर ये जो मैग्नेट है ये एक दूसरे को अपने आप कांटेक्ट में लाके चिपक जा रहे हैं. देखो ध्यान से देखना, एक दूसरे को फटाक से अपने आप क्या कर रहा है, देखो ये अपने आप क्या कर रहा है, देखो ये चिपक गया, अपने आप क्या कर रहा है, चिपक गया. मतलब ये एक ऐसा फोर्स है, अगर आपने मैग्नेट देखा होगा, ठीक है, अगर आपने मैग्नेट को देखा होगा, इस प्रकार से मैग्नेट होता है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसको वो क्या करता है, अपनी तरफ जो है वो खींचता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है. यानी कि ये तो अपने आप को कॉन्टैक्ट में नहीं ला रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैग्नेट के या फिर मैग्नेट इस ऑब्जेक्ट के तो कांटेक्ट में नहीं ला रहा है, मतलब कोई टच तो नहीं हो रहा है, लेकिन बिना टच किए भी क्या कर रहा है, वो एक ताकत लगा रहा है. जो स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं, वैसे बड़े बड़े गैरेज में, बड़े बड़े जो स्क्रैप इंडस्ट्रीज होती है उसमें बड़े बड़े मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट होते हैं. जो आयरन का कार होता है ना, लोखंड की कार वगैरह जो होती है, ऑब्वियसली कार का जो पूरा फ्रेम होता है वो लोखंड का ही होता है, ठीक है ना, तो वो उसको खींच लेता है दूर से. फॉर एग्जाम्पल कि मैं आयरन मैन हूं अगर, हाँ, देखा है ना आयरन मैन, तो मैं आयरन मैन हूं और उधर पे बहुत बड़ा मैग्नेट लगा है ना, मैं इतना दूर भी खड़ा हूं तो भी मैं जाके चिपक जाऊंगा. क्यों? क्योंकि वो मेरे को खींच लेगा, बिना टच किए भी क्या कर लेगा, खींच लेगा. तो खींच रहा है मतलब क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. तो बिना टच किए अगर फोर्स लग रहा है तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स जो अभी अभी मैंने बताया, मैग्नेटिक फोर्स. इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है बच्चा जो ग्रेविटी कर रहा है. जैसे हम जमीन पे खड़े हैं, क्यों खड़े, ग्रेविटेशन के वजह से. लेकिन एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये मार्कर ऊपर गया ये नीचे आया, ये मार्कर ऊपर गया ये नीचे आया, क्यों आया भाई, ये नीचे ही क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. एक ताकत है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए उसको नीचे खींचता है, चाहे वो कितना भी ऊपर चले जाए. एरोप्लेन भी जितनी ऊंचाई पे उड़ता है, लगभग 3-4 हज़ार फीट ऊपर उड़ता है वो, उतना उड़ने के बाद भी अगर वो अपना इंजन को बंद कर ले, यानी कोई एरोप्लेन जो अपनी हाइट पे होता है, जो हम लोग इधर जमीन पे से देखते हैं ना, और ये देखो एरोप्लेन जा रही है, वो उतनी हाइट पे होती है, 4-5 हज़ार फीट की हाइट पे होती है, और वो अगर एरोप्लेन अपना इंजन को बंद कर दे तो वो एरोप्लेन धड़ाम से नीचे गिर रहा है, गिरेगा. क्यों गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है. तो सोचो कि भाई जमीन यहां है और उसके 3-4 हज़ार फीट ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन फिर भी बिना टच किए जमीन, यानी जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, हमारे पृथ्वी का, वो उसको नीचे खींच रहा है. मतलब बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट में आके भी फोर्स लग रहा है, खींचने वाला फोर्स लग रहा है. तो सोच सकते हो कितना पावर है हमारे पृथ्वी के पास, और सोच सकते हो कि कितना डिस्टेंस से भी, कितना डिस्टेंस से भी नॉन कॉन्टैक्ट होके भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, और यही फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों. वैसे एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरल तौर पर क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट है, क्या करना, आप लोग स्केल लेना है, स्केल लेना है, स्केल को बाल पे रब करना है. स्केल पता है ना, जो आपका रूलर होता है, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उस स्केल को बाल में रब करना है, बहुत सारा रब करना है. और जैसे ही आप उसको अपने इस हाथ के जो हेयर्स होते हैं ना उसके नजदीक अगर लाओगे, तो ये हेयर जो होते हैं वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं. दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो बिना किसी टच से ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है. ये हम लोग बचपन में करते थे, अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं करके दिखाता लाइव आपको. तो आप क्या करना है, आपको
स्केल लेना है प्लास्टिक वाला और उसको रब करना है, रब करना है, बहुत सारा रब करना है और अपने बाल के नजदीक लाना है, तो ये बाल थोड़े से इरेक्ट हो जाएंगे। दैट इज नथिंग बट कि बिना टच किए भी वो फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, जो कि है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले यहां पे नजर डालो आप लोग, हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स की। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, नाम से ही पता चलना चाहिए, बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बराबर, ठीक है। यानी ऐसा ताकत, ऐसा फोर्स लग रहा है जो क्या है, फोर्सेस आर दोस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी दो फोर्स है अगर, तो दोनों मैग्नीट्यूड यानी उसके वैल्यू में सेम है, और एज वेल एज उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। यानी ऐसा फोर्स जो दोनों तरफ से सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे एग्जांपल इसका देता हूं, आपको समझ में आएगा बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज को बैलेंस करना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये उंगली के ऊपर मैंने ये मार्कर रखा, देखो ध्यान से देखना, ये उंगली के ऊपर मैंने क्या रखा है, एक मार्कर रखा है। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया यहां पे। मतलब क्या किया है, मतलब यहां पे जो फोर्स लग रहा है, देखो ध्यान से, ये थोड़ा बहुत हिल जा रहा है मेरे बोलने की वजह से, क्योंकि मोशन हो रहा है मेरे बॉडी में। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहां पे ऐसा रख दूं, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है और यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि इसको बैलेंस करना है। लेकिन अगर मैं इक्वल ना रखूं, इधर पे ज्यादा रखूं इधर कम रखूं, देखो गिर जा रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं इसको बीचों बीच रखूंगा, अगर आप देखो ध्यान से, एग्जैक्टली इसको मैं थोड़ा सा बीचों बीच रखने की कोशिश करता हूं, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहां पे फोर्स और यहां पे फोर्स दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन जो फोर्स होंगे दोनों तरफ वो इक्वल होंगे। वैल्यू जो फोर्स का होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड यानी जो वैल्यू है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और इसी के वजह से जो ये है हमारा मार्कर जो है वो बैलेंस कर पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। एक और एग्जांपल है तराजू, बचपन में तराजू लिया है, तराजू आपने देखा होगा, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गई है जिसमें वजन रख दो तो पता चलता है, लिख के आता है उसमें कि इतना किलो हुआ इतना ग्राम हुआ। लेकिन पहले के जमाने में वो तराजू काटा होता था, तराजू काटा मतलब वो पैन होता था, लोखंड का ऐसा पैन यानी कटोरा जैसा रहता था, एक तरफ एक किलो आधा किलो 100 ग्राम का वेट रखा जाता था, अगली उसकी दूसरी की तरफ सब्जी रखा जाता था। आज भी बहुत गिने चुने जगह पे वो चलता है, बहुत ही पुराने और बहुत ही गांव साइड एरिया में, लेकिन ज़्यादातर सब जगह इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो पहले क्या करते थे, उस वेइंग मशीन को ऐसे हाथ से वो जो आंटियाँ बेचती थी सब्जी या फिर जो भी रहते थे वो ऐसा पकड़ते थे, एक तरफ वेट रखते थे एक तरफ वो रखते थे। तो वेट अगर इस तरफ एक किलो रखा है तो बराबर एक किलो ही यहाँ पे सब्जी या फिर जो फ्रूट्स आप ले रहे हो वो रखोगे, तो जाके क्या होता था, वो बैलेंस हो जाता था, वो दोनों बैलेंस हो जाता था। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट वेट और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट फ्रूट और वेजिटेबल जो भी है वो दोनों इक्वल हो जाते थे, तब जाके वो तराजू जो है उसका जो नीडल होता था वो एग्जैक्ट बीच में आता था, यानी बैलेंस होता था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और इसका एक और एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। आपने बचपन में टग ऑफ वॉर खेला होगा, टग ऑफ वॉर खेला है कि नहीं खेला है, हम लोग स्कूल में खेला करते थे। तो टग ऑफ वॉर मतलब एक मोटी सी रस्सी होती है, उस तरफ तीन आदमी खड़ा करना, चार आदमी खड़ा करना, इस तरफ भी खड़ा करना है, और बीच में एक लाइन होती थी, बीच में एक पॉइंट होता था, जो ज्यादा ताकत वाले खींचते थे वो अपने साइड से रस्सी खींच रहा है, वो अपने साइड से रस्सी खींच रहे, तीन चार लोग मिलके, और देखते थे कौन ज्यादा ताकत वाले, तो जो इस तरफ खींच लेगा वो ज्यादा ताकत वाले मतलब वो जीत गया। ऐसा बचपन में आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा, तो कभी कभी ऐसा होता था कि उस साइड चार लोग हैं, इस साइड भी चार लोग हैं, और दोनों दम लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं चारों, ये भी चारों दम लगा रहे हैं, लेकिन वो जो रस्सी है वो कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, वो हिल रही नहीं है। मतलब यहां से भी जो चार लोग मिलकर ताकत लगा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं, और यहां से भी जो चार लोग मिलकर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो एग्जांपल कई सारे हैं, ठीक है। और एक और चीज है कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस फोर्स रिमेन एट रेस्ट। यानी कि जनरल तौर पर जैसे मैंने टग ऑफ वॉर का एग्जांपल बताया कि अगर दोनों तरफ फोर्स सेम लग रहा है तो क्या रस्सी हिलेगा, नहीं हिलेगा, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहां से भी जो ताकत लग रहा है और यहां से भी जो ताकत लग रहा है वो सेम ताकत लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, तो रस्सी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो वो क्या हो जाती है, बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है। और एक चीज है कि बॉडी डज नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो बैलेंस फोर्स में है तो। एग्जांपल टग ऑफ वॉर, अगर दोनों साइड इक्वल है तो टग ऑफ वॉर का बैलेंस वाला एग्जांपल हो गया। वेइंग मशीन मैंने बताया, दोनों साइड अगर सेम वजन है तो सेम फोर्स लग रहा है, मतलब वो भी एग्जांपल किसका हो गया, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल है कार स्टैंडिंग एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में कार खड़ी है, कार जो है वो खड़ी है, हिल नहीं रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक बैलेंस फोर्स लग रहा है, इसके लिए वो हिल नहीं रहा है। समझ में आ गया?
वैसे ही अगला जो टॉपिक है इसी का उल्टा, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या बोलता है, ये एक ऐसा फोर्स है जो इक्वल नहीं होता मैग्नीट्यूड में, यानी इस तरफ और इस तरफ जो वजन रहेगा या फिर जो फोर्स रहेगा वो सेम नहीं है, अलग अलग होगा। तो मैग्नीट्यूड यानी जो फोर्स के जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, याद रखना वो क्या है, नॉट इक्वल है। एंड डायरेक्शन जो है उसका वो भी अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी जो है वो भी जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। और यहां पे जनरल तौर पे क्या हो रहा है कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो एक डायरेक्शन में बड़ा रहेगा तो हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में कम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल टग ऑफ वॉर ले लो, यहां पे तीन सुकड़े सुकड़े लोग को खड़ा कर दो, यहां पे तीन ताकतवर लोग को जो मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग हैं उनको खड़ा कर दो, तो क्या होगा कि वो मोटे वाले लोग फटाक से उसको रस्सी को खींच लेंगे क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा ताकतवर है। और ऐसा होता भी है, ऐसा मत सोचना कि पतले लोग कमजोर होते हैं यार, ये भी उल्टा भी हो जाता है, लेकिन एक जनरल तौर पर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि तीन लोग मोटे मोटे हैं, उन्होंने खींच लिया रस्सी तो उनके पास ज्यादा ताकत है, यानी उन्होंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो एक साइड जो है वो पूरा ज्यादा ताकत लग गया और दूसरी साइड ताकत कम लगा, इसके लिए रस्सी पूरी एक साइड चली गई, यानी क्या हो गया, एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो गया, यहां पर ज्यादा ताकत यहां पर कम ताकत, यहां पर ज्यादा फोर्स यहां पर कम फोर्स, दैट्स व्हाई द फोर्स इज बिकम अनबैलेंस। तो यहां पर क्या होता है कि बॉडी अपना मोशन जो है वो चेंज कर पाती है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, समझो रस्सी था पहले स्टेबल था लेकिन ताकत एक साइड ज्यादा लग गया तो मोशन में आ गया रस्सी, यानी जो स्टेट ऑफ मोशन था पहले रेस्ट पोजीशन में रस्सी जो थी अब मोशन में आ गई है, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर कोई रुका हुआ है तो वो चलने लगेगा, कोई चलने वाला है तो उसको रोक भी सकता है, अनबैलेंस फोर्स। तो एग्जांपल टग ऑफ वॉर, जब दोनों साइड इक्वल नहीं रहेंगे, वेइंग मशीन में भी सेम, अगर एक तराजू में 2 किलो वजन रखा है और एक तराजू में सिर्फ 2 एप्पल रखा है तो 2 एप्पल का वजन कितना होगा, 200 ग्राम होगा, रख दिया पूरा 2 किलो वेट जो है आपका जो तराजू रहेगा वो वेट पूरा नीचे आ जाएगा, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो वो भी एक एग्जांपल है। फिर एक कार एक्सेलरेट कर रहा है, कार चल रहा है एकदम एक्सेलरेट करके चल रहा है, एकदम स्पीड में चल रहा है, तो वो क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना, कभी चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है टर्न ले रहा है, तो ये सब अनबैलेंस फोर्स के कैटेगरी में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ अनबैलेंस फोर्स। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा पार्टी, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ध्यान देना। अब अगला टॉपिक है इनर्शिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स एंड आगे आने वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ये वर्ड शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया। यानी एक ऑब्जेक्ट का एक अपना टेंडेंसी होता है, एक कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है, अपने स्टेट ऑफ मोशन में वो रुका हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट उसकी टेंडेंसी है टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता हुआ ही नजर आएगा, तो वो जो चीज है वो होती है इनर्शिया। लेकिन उसको रोका जा सकता है, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट पेज पर पढ़ाया था आपको, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा तो वो रुका ही रहेगा जिंदगी भर, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर कोई ताकत नहीं लगेगी तो वो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। इसी को बोलते हैं इनर्शिया, की खुद का एक कैपेबिलिटी होता है कि अगर मैं रुका हूं तो मैं रुका ही रहूंगा, अगर मैं चल रहा हूं तो चलता ही रह जाऊंगा। दैट ऑब्जेक्ट टेंडेंसी इज नोन एज द इनर्शिया टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, वो अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में रहने का जो कैपेबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। और इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो स्टेशनरी स्टेट में होता है, यानी जब वो रुका होता है तो वो रुका ही होता है, और जब वो मोशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट तो वो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में, यानी चलते हुए मोशन में ही रहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ना, कंडीशन है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया इनर्शिया का मतलब, क्लियर है। अब इनर्शिया जो होता है वो तीन टाइप का होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है डायरेक्शनल इनर्शिया। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्या होता है समझ के ले लो। इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में है तो वो रेस्ट पोजिशन में ही रहेगा, बराबर। तो उस इनर्शिया को, उस रिमेन जो स्टेट में है वो एग्जिस्टिंग स्टेट में है, उस टाइप के इनर्शिया को मैं बोलूंगा इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रुका हुआ है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे वो रुका ही रहेगा भाई, जिंदगी भर रुका ही रहेगा, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो आने वाले समय में भी वो मूवमेंट में ही रहेगा, जब तक कि ऊपर कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे तो वो मोशन में ही रहेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप कार में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, बेस्ट एग्जांपल है बस का, तो बस में आप चल रहे हो और बस स्ट्रेट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन अचानक से जो बस है वो ब्रेक मारता है, तो अब जब बस अचानक से ब्रेक मारेगा तो आप लोग भी एकदम सडनली आगे जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मोशन में ही हो,
आप मोशन में थे, बस चल रही है तो मोशन में थे, और ब्रेक मारने के बाद भी आप मोशन में आए, इसका मतलब आपका जो स्टेट ऑफ मोशन जो था, वो टेंडेंसी जो था, वो रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन में ही रह गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। उस इनर्शिया को क्या बोलेंगे, मोशन का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक तीसरा है डायरेक्शनल इनर्शिया। सेम एग्जाम्पल है तो बस का, जब बस स्ट्रेट चल रहा है और अचानक से बस ने टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो जब बस लेफ्ट टर्न लेती है तो आप थोड़ा सा राइट की तरफ सरकते हैं। आपने देखा है कभी ये महसूस किया है? ठीक है, जब भी कोई गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, और स्पीड से कार लेफ्ट टर्न ले रही है, तो जब कार लेफ्ट टर्न ले रही होगी ना, तो आप अगर कार के अंदर बैठे हो ना, तो आप राइट की तरफ, आपको एक फोर्स महसूस होगा, मतलब आप अचानक से राइट की तरफ जाते हुए नजर आओगे, थोड़ा सा पुश करते हुए नजर आओगे। जब कोई कार या बस राइट की तरफ मूव करेगी, तो आप लेफ्ट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और ये जो ताकत लग रही है, जो फोर्स लग रही है, वो इनर्शिया है, और वो कौन सी इनर्शिया है, डायरेक्शनल इनर्शिया, यानी डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है। समझ में आ गया? तो ये तीनों इनर्शिया भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स के जितने भी टॉपिक थे कि फोर्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, ये सभी चीज एक्सप्लेन करके, इनर्शिया एक्सप्लेन करके हमारा हो गया, यानी एक टॉपिक, एक पार्ट हमारा इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला जो पार्ट है वो है फोर्स एंड प्रेशर, यानी प्रेशर का पार्ट बचा हुआ है। तो प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के प्रेशर किस चीज पे अप्लाई होते हैं, और उसी के बेस पे और भी जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस हमारा वेट लेना, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे, आप लोगों को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।